मैंने तो हमारे ऐसा कुछ बोला अपने नहीं, बच्चों आप का क्यों भविष्य देख रहे हो बनाएगा और डाउन हम हो जा रहा है, कंप्रोमाइज मुझे क्या कर लग रहे रहे हो। सुभाष भाई, सुभाष जी, आप तो बीजेपी फेंके हमारे पैसे से। आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, आप लोग आपस में मत लड़िए। और रही बात 10,000 रुपए की, तो मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से या नरेंद्र मोदी या फिर सुब्रत राय से, जिन लोगों ने एक एक पैसा मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, अब अमित शाह की पैरवी कर रहे हैं, ये 10,000 रुपए रखे थे क्या हम लोगों ने? अरे 10,000 रुपए तो चुनावी लॉलीपॉप हो गया आप लोगों का, इतने दिन कहाँ थे आप? 2014 में जब अपने बच्चों का भविष्य बनाया। मैडम एक लाइन, मैडम मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैडम मुझे बोलने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब जून 2014 में जब एम्बार्गो हटा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुब्रत राय ने पीठ थपथपाई थी सुप्रीम कोर्ट की, उस समय से सरकार क्या कर रही थी? अच्छा 2017 से उसे पेरोल पर छोड़ रखा है एक अपराधी को, जिस पर 5,000 FIR दर्ज है पूरे देश में, ये क्या कर रही है सरकार, ये क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? अरे भैया ये 10,000 का लॉलीपॉप क्यों लेंगे हम? क्या हमने कर्जा दे रखा है क्या? अरे हमारे मेहनत की गाड़ी कमाई है, हमने अपने बच्चे के लिए रखा था, हमने अपने भविष्य सुंदर भविष्य के लिए रखा था, एक एक पाई को जोड़ के हमने रखा है, उसका हमने टैक्स पे किया है। हमको बताइए ना कि हमारा पैसा गया कहाँ, क्यों 10,000 रुपए आप देंगे? अब मत दीजिए ना पैसा, अगर हमारी क्षमता होगी, अगर हमारा मेहनत का कमाई का पैसा होगा तो हम सड़क पर उतर के पैसा लेंगे। अभी क्यों दे रहे 10,000 रुपया और चुनाव के समय क्यों दे रहे आप 10,000 रुपया? संजीव, इसलिए आप दे रहे हैं कि आपको एक मिनट हो गया, एक मिनट, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। सरकार एक घंटे के लिए छूट दे दे सूद समेत वापस अपना पैसा सुब्रत राय और सरकार। हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि आज जो सरकार दो कदम पीछे हट गई है जंतर मंतर के आंदोलन से, पहले क्यों नहीं सरकार अपने स्टैंड बदली थी? कहाँ चल गए थे वो लोग जो कल तक तलवा चाड़ रहे थे? कहाँ चल गए वो राजनीतिक दल के लोग जो कल तक बहुत बड़ा बड़ा बखान कर रहे थे नरेंद्र मोदी अमित शाह का? अरे आज दिग्विजय सिंह ने साथ दिया तो क्या गलत किया? कोई तो हमारे साथ देगा। आज अगर संजय सिंह ने हमारे साथ दिया तो क्या गलत किया? कोई तो हमारे साथ देगा। आज कहां गए वो राजनीतिक दल के लोग जो गरीबों का मसीहा बन करके अपने आप की बहुत बड़ी तारीफ करते थे पूरे भारत में? कहां है वो लोग? सब शोषण करने वाले ये काले अंग्रेज, ये गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज है। और काले अंग्रेज से अगर पैसा लेना होगा तो अपने हक का पैसा लेने के लिए सड़क पर उतरना होगा। और ये जो दम्भी सरकार है, ये जो उदंड सरकार है, ये पूंजीपतियों की जो सरकार है, इसको अगर सबक सिखाना है पूरे जमाकर्ता को एकजुट होकर के, और इस सरकार को 2024 का चुनाव में भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। आज कहां गए वो लोग जो जो जोनल चीफ को हजारों महिला, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको छीना है दीदी, दीदी एक मिनट, दीदी को छीना है दीदी, दीदी दीदी एक मिनट, एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूँ कि सुब्रत राय के बेटे मैसिडोनिया में जाकर वहां की नागरिकता लिए, क्या उसके बाप का पैसा था? क्या उसके बाप ने कमा कर रखा था पैसा क्या? अरे हमारी कमाई का पैसा था वो, हम चिल चिल करके लोगों से मिलजुल करके लोगों को सही राह दिखाकर पैसा लिए थे, वो उसके बाप का पैसा नहीं था। हमारी पैसे की, हमारी मेहनत की कमाई को लेकर के आज उन्होंने जकार लिया। इतने लोगों को 12 लाख लोगों का मसीहा कहा जाता था, आज सबका इनकम टैक्स का पैसा कहाँ गया? सबका फ्यूचर फंड का पैसा कहाँ गया? सब लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बना दिया, ये बेईमान। और पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, आज एरिया मैनेजर जोनल चीफ को कहाँ से वो सैलरी दे रहा है? जब उसकी कमाई नहीं है तो बंद करे अपनी दुकान। और सारा दोष सरकार का है, सरकार ने लाइसेंस दिया है। हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार नहीं देगी तो सरकार के खिलाफ भी हम लोग जाएंगे। और क्यों 10,000 रुपए लेंगे उससे? हम अपनी कमाई मांग रहे हैं, 10,000 का लॉलीपॉप देंगे आप? ये तरीका नहीं है, लोगों को गुमराह करेंगे। अगर आज आंदोलन नहीं होता, आज लोगों के अंदर विद्रोह नहीं होता, तो आज सरकार 1 रुपया भी नहीं देती। सरकार को अब अपनी कुर्सी सताने का डर लगने लगा है कि अब मेरी कुर्सी जाने वाली है, तो उनके पास ये विकल्प है। आज पूरे भारत में 3,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, क्या अमित शाह ने संज्ञान लिया?